आज का ब्रेकफास्ट एज यूजल आलू। All set. I'm get up and let's go for a ride. It's been almost I think 50 around a month that I've been gone for a that I've gone for a ride. तो आज मजा आएगा वापस ऐसे चला के. सनराइज़ हो चुका है, हाईवे पे है ब्यावर. अभी 50 किलोमीटर समथिंग और होगा. ये है पंकज भैया और ये रही हमारी R1 और ये स्ट्रीट 750. दो जने और के आने की उम्मीद थी वो आए नहीं, तो हम लोग ही हैं जो एंजॉय कर रहे हैं. मॉर्निंग में अगर विंटर में उठ जाए ना बस एक बार आदमी राइड के लिए, उसके बाद सब सही है. जैसे आज भी दो जने थे वो इसलिए नहीं आ पाए होंगे क्योंकि विंटर से, और विंटर्स में नींद खुलना एक बहुत बड़ी बात है. मेरी भी नहीं खुल रही थी बट मैंने कहा यार आज तो राइड करनी है क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो गया है. एक अच्छी राइडिंग वीडियो भी बनाए हुए और अच्छी राइड भी करे हुए. तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू माय सब्सक्राइबर्स. ये मेरी इच्छा कम थी राइडिंग की और आप लोगों के लिए जाना चाहिए क्योंकि भाई आप लोग कह रहे थे एक राइडिंग वीडियो, तो ठीक है बनाते हैं. होप लो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी. मज़ा आता है और इस गाड़ी पे अभी मैं जैसे 115 पे चल रहा हूँ, ये 6 गियर डाल दिया मैंने. मैं सच बता रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक 70-80 में पल्सर को चलाया करता था ना, बिल्कुल मेरे कंट्रोल में, जैसे हद कंट्रोल में, कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम 115 पे चल रहे हैं. एग्जैक्टली वैसा वाला फील आ रहा है. मेरे राइडिंग गियर्स भी जल्द आने वाले हैं, जो हेलमेट है और ये अपने जैकेट है और ग्लव्स है, ये जल्द आने वाले हैं. गाइज एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी मैं 74 फोर्थ गियर में हूँ. वैसे उसका थ्रॉटल पूरा का पूरा खोल दूंगा एक बार देखना क्या से रिएक्ट कर दिया. कितनी जंगली है ये गाड़ी, एकदम से दिया और जबकि मैं अभी मोड सी के भी पावर 2 मोड में हूँ. यहाँ से ब्यावर के लिए राइट है. अब पूछते कि तेरे ब्यावर कहाँ है. वैसे तो हम कोई ब्रेकफास्ट के लिए आए थे, ब्यावर के लिए तो ये रहा. हाँ ये रहा ब्यावर के लिए. ब्यावर के अंदर एंटर हो गए. अब देखे कुछ अच्छा मिले. और भूख सी लग रही है, और भूख सी लग रही है. ब्यावर में तो कुछ खुला हुआ ही नहीं है, खाने पीने का कुछ भी नहीं है अभी तो. बेसिक कोई समोसा का छोड़ी है और रोड साइड है तो वहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि 10 लोग पे सवाल पूछते हैं, परेशान सा करते हैं. तो देखते हैं अभी पेट्रोल भरवाते हैं, फिर हाईवे पे कोई अच्छा सा होटल हुआ तो वहाँ पे पराठे वराठे खा लेंगे बढ़िया. यहाँ पे एक रिजॉर्ट बताया है
रानी बाग रिजॉर्ट, तो एक बार वहाँ जा रहे हैं। क्या है कि थोड़ा सा सेफ रहे, और यहाँ पे शायद कह रहे हैं खुला भी होगा रेस्टोरेंट। आज का ब्रेकफास्ट है एज यूजुअल आलू के पराठे कॉफ़ी। यही बच गया जिंदगी में। कितना मेसमराइजिंग लग रहा है ये आलू का पराठा। ये सब लोग आज आए हुए हैं और इस रिजॉर्ट में पूछ रहे कौन सी गाड़ी है। मुझे तो जैपनीज लग रहे हैं ये लोग, तो बोल रहे हैं तो हमारे यहाँ की गाड़ी है वो, मतलब लड़का बता रहा है आदमी। ये फनी मोमेंट। तो चलो फिर आप पराठे वराठे तो खा लिए। अब फिर निकलते हैं। टाइम 9 हो चुका है, होप सो 10 में तक पहुंच ही जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है, अराउंड 21 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर और बहुत प्रेजेंट वेदर है। ये पंकज भी है मेरे साथ, इन्होंने अभी गाड़ी खरीदी है लास्ट मतलब दो एक महीने पहले, और ये चल रहे थे मेरे साथ हमेशा राइड पे उठ के सुबह जैसे जैसे करके। वापस हो गया ट्रैफिक और ये सब स्टार्ट, अब घर के निकलेंगे। ठीक है पंकज भैया, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। ठीक है भैया, ओके, हाँ ठीक है भैया। आ गए फाइनली घर पे। गोप्रो की बैटरी भी डेड नहीं हुई। चलो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चलते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर।